हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू वीकेंड डिटॉक्स, आपका अपना चैनल। और आज हम लोग डिटॉक्स करने जा रहे हैं थोड़ा शहर से दूर, दूसरे शहर में एक्चुअली जा रहे हैं। शहरी यानी कि हम लोग शहर से दूर का मतलब है कि कहीं हम लोग वो एकदम गांव देहात जा रहे हैं। तो एस्टन मार्टिन के साथ हम लोग निकले हैं। देख रहे हैं हम, हॉर्न भी बजा दिया जॉन साहब ने, तो तभी लोग जगह कौन सा दे देते हैं। तो हम लोग आज जा रहे हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। लखनऊ में जा रहे भैया और बढ़िया बढ़िया चीजें कवर करेंगे। इमाम इमाम बाड़ा अपने कवर करने नहीं वाले, ठीक है? दिखा देंगे आपको कि हाँ इमाम बाड़ा है, अभी भी उतना ही सुंदर है, सब बढ़िया है, बहुत वीडियोस में देखा है आपने। लेकिन यार कुछ ऐसा दिखाए ना जिससे आपको भी मन करे कि आप भी लखनऊ जाओ, कानपुर से 80 किलोमीटर दूर। तो या तो अपना जाएंगे और लखनऊ का जो फूड है, जो स्वाद है, वो भी चखाएंगे थोड़ा सा आपको। और मजेदार चीजें दिखाने वाले हैं आज आपको हम, एकदम नेचुरल से लेके विंटेज सब कुछ तो बढ़िया तरीके से निपटाते हैं और शुरू करते हैं अपनी जर्नी। काफी कुछ होने वाला है आपके वीडियो आपके लिए इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। बाय 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 बाय। तो भाइयों ये जो लौंडा है सामने, ये लौंडा कह रहा है कि यहाँ के खस्ते बेकार है, बेकार नहीं है। तो बताओ ये आधे दिन को इतने दूर दूर से लोग खाने आते हैं यहाँ खस्ता सब। भैया मनी के समोसे हैं ये, और यहाँ पे जो स्पेशल चीज ये है कि मटर वटर डाल के, छोले डाल के, चटनी वटनी छिड़क के, ऊपर से राहुल भाई ने उसमें मसाला भी डलवा दिया। जो समोसे का स्वाद आता है छोले के साथ, छोले समोसे ही चलते हैं। खस्ता छोले तो आप वैसे भी सब्जी साथ खा सकते हैं, बनी के समोसे आप यहाँ जब आएंगे कानपुर। नहीं नहीं, इसका सवाल ये है कि खस्ते तो हम लोग कानपुर में भी खा सकते हैं, तो फिर यहाँ क्यों खाएं? पांडे जी हमारे बीड़ी सुलगाने जा रहे हैं। बताओ खस्ता हम लोग यहाँ क्यों खाते हैं? ये जो ढलान है ना, यहाँ से उतर के खाने में बड़ी मजा आती है। कोई सेंस है इस बात? तो भैया हम लोग तो जा रहे हैं बिना सवाल का जवाब लिए कि हम लोग इतना दूर क्यों आए हैं खस्ता खाने। किसी को पता हो तो हमें जरूर बताना कॉमेंट्स में। चलो कहना चाह रहे हो ये सारे जो हैं ये सब एक ही पेड़ के, एक ही पेड़ की शाखा है जो नीचे आके इतना अपने पेड़ लग रहे हैं यार। हाँ लेकिन उधर देखो, हाँ कुछ शूटिंग चल रही है। कितनी शाखा है? अब आप क्यों गिनेगा?
तब भी एक लमसम आप एक से अंदाजा अनुमान लगा दें, हम तो बोली बता सकते कितनी होती है, बताना मुश्किल है यहाँ तो। हम तो मतलब एक एक दूल्हे समझ जाए कि नहीं पाएंगे नहीं पाएंगे, एक साथ है। सही बात है, मतलब हज़ार के लमसम तो मान के चले गए कि ये कहिए 50 लाख में शाखाएँ जाएंगी, जा सकते हैं ये एक शाखा गिनके देख गिन पाते नहीं गिन पाते। इसका क्या इतिहास है? ये श्री हरदा है, ब्राह्मण परिवार से, माता पिता के गुजर जाने के बाद में बाबा जी ने यहाँ जिस जंगल में तपस्या की, तपस्या पूरी होने के बाद बाबा जी समाधि दे समाधि मुद्रा में समाधि समाधि देने के बाद में छोट हुआ है उम्र 250। आज बाबा जी कहा है हाथ पेड़ छुड़ा के मिले इतने किसान नहीं देखा है, हाथ बहुत बड़ा लग जाता है और बाबा जी से कोई इच्छा से कुछ मांगता है पूरा जो करते हैं बाबा जी विश्वास अगर रखें पूरा जो करते। ये जो है ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये पेड़ है मेन है यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुआ तपस्या करी थी अक्षयवट कहते हैं ना, तो ये अक्षयवट जो ऋषि थे उन्होंने यहाँ तपस्या करी थी, उसके बाद फिर ये देख सकते हो कि कहाँ कहाँ तक गई है। नहीं देख सकते भाई कहाँ से कहाँ तक गई है, ये तो कोई बता ही नहीं सकता। 50 लाख शाखाएं अगर ये सब ये भी उसी आप अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये सारे जो जितनी भी ब्रांचेस आपको दिख रही सब ये उसी एक पहाड़ के पेड़ का पार्ट है। कहाँ तक ये सब वो सब इनफैक्ट इसको एक फ्रेम में कैप्चर करना ही इम्पॉसिबल है, ये भी ये भी ये भी ये भी इनफैक्ट वो जो दूर ये इसके उस तरफ दिख रही है वो भी उसी का पार्ट है ना। हाँ ऊपर से अब देखो कनेक्टिविटी वहाँ से ओरिजिन हो रहा है, इतनी दूर तक जा रही है वहाँ उधर तक पीछे साइड वो देखो उधर से। हाँ ये जितनी भी आपको लटकती हुई ब्रांचेस दिख रही सब एक ही है, एक ये भी एक है, ये भी वही पेड़ है, वही पेड़ है, ये भी अंकल भी अंकल जिस पर बैठे हैं। कोई ऐसा पॉइंट है ही ना, नहीं है ही नहीं जिससे पूरा कैप्चर कर सके, नहीं नहीं आएगा ही नहीं क्योंकि ना सर्कल में ना किसी में जहाँ जहाँ जड़े नेचुरली हेल्दी चली गई, वहाँ शूट चल रहा है कुछ तो वहाँ पे नहीं जाते फिलहाल। ये देखो यहाँ से थोड़ा सा कैप्चर किया जा सकता है। हाँ एक पार्ट यहाँ मेजर पार्ट एक यहाँ से जो पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जितनी ब्रांचेस दिख रही हैं लटकते हुए सब एक ही पेड़ का पार्ट है, ये भी वहाँ तक। आज हमारे ब्लॉग में एक बंदा शामिल है, अरे हाँ हेलो इनको एक ही चीज आती है, ये इनका अभी चैप्टर वन चल रहा है चैप्टर वन इनको हेलो से सिखाया गया घर से कि जब भी कैमरा है तो हेलो बोल देना तो इनको देख के लगेगा नहीं कि 99 पैनकेक के मालिक है, इनका हजारों में टर्नओवर है बहुत ही डाउन टू अर्थ मगर है यहाँ से थोड़ा थोड़ा संग आ रहा है लेकिन तब भी यार कोई गिन नहीं सकता कितनी ब्रांचेस हैं। अच्छा काफी एंटाइसिंग जगह है जो भी को कल ब्रश के बाद ये हमारा कुछ ज्यादा हम लोग को लगाव है पेड़ों से लगाव है, इको फ्रेंडली व्लॉग्स बनाते हैं हम लोग काफी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्योंकि डिटॉक्स तो ऑर्गेनिक से ही होगा ना यार। हाँ अब देखो यहाँ से थोड़ा पकड़ में आएगा तो ये है एक बाउंड्री टाइप की खींची हुई है जो ये आप देख पा रहे हैं, ये बाउंड्री है जो चलती ही चली जा रही है थ्रू आउट हम लोग अभी जहाँ से आए तो इसके अंदर जितना भी है जितनी भी ब्रांचेस है सब एक पेड़ की है। पुराना तो मतलब ये है कि 250 वर्ष पुराना पेड़ है और 250 ईयर्स पुराना पेड़ है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कि इससे बड़ा पेड़ जिसकी इतनी ब्रांचेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी भी रजिस्टर है।
और अभी भी बहुत लेसर नोन प्लेस है ये लखनऊ वालों के लिए, और देखा ही हमने जैसे रास्ते ही हम लोग ने कवर किया, काफी आउटस्कर्ट्स में पड़ता है। अब जब शहर से इतना दूर आ ही गए हैं तो पास में ही गोमती नदी बहती है, जिसका पानी शहर वाली गोमती नदी से कंपेयर करने पे आपको 1000 times अच्छा मिलेगा, साफ मिलेगा। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे, आपको बोटिंग का एक्सपीरियंस कराते हैं। भैया कहीं और से भी पास की होगी, गंदी हो गई है। बताओ इतना साफ है ये पानी, इसको देख के कोई कह सकता है कि ये गोमती नदी है? और अभी हम लोग शाम में गोमती नदी भी देखेंगे, वो तो दिखेगी भी नहीं अंदर से। नहीं अपना चेहरा दिख जाएगा, इतना काला पानी है कि अपना ही चेहरा दिखेगा उसमें। देखो ना ट्रांसपेरेंट, इसीलिए छोड़ के चली गई, एक्सप्लोर करने निकलते थे ना। ठंडी ठंडी हवा मुंह पे पड़ रही है, ऐसा पानी लग रहा है, प्यारा साफ शुद्ध पानी है, और क्या चाहिए आदमी को यार। क्यों भैया यहाँ टूरिस्ट टूरिस्ट आते हैं? दिन में कितने आ जाते हैं लगभग? 15-20 लोग आ जाते हैं, क्या बात है। अच्छा पांडे जी वहीं रह गए हमारे। उसके लिए तुम्हें यहीं समाधि लेनी पड़ेगी। तो गाइस ये था हमारा इस हफ्ते का वीकेंड डिटॉक्स, आई होप आप सबको पसंद आया होगा जो हमने आपसे लखनऊ की कुछ लेसन नोन चीजें शेयर करी। अदर साइड ऑफ लखनऊ जो हम लोगों ने आपसे शेयर किया, जो आश्रम का पेड़ था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इंडिया के लिए एक प्राउड चीज है, एक नेचुरली बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत यूनिक चीज है। हाँ। और गोमती रिवर तो आपने देखा ही कि कितनी साफ है, लखनऊ वाले समझ जाओ कि हम लोग कितनी साफ रिवर देख के आए हैं। बोटिंग इतना साफ, अंदर इतना गंदा, कुछ करिए लखनऊ वासियों। तो आई होप आपको मजा आया होगा, और यहाँ पे अभी हमारी लखनऊ की जो जर्नी है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाली, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो हम लोग शहर के बाहर की चीजें कवर करके आपको दिखा रहे हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं लखनऊ की वही कुछ मजेदार चीजें, कुछ ऐसी ऐसी जगहों के नाम जो आपने सुने होंगे बट दोबारा से इस वीडियो में आप देखेंगे, और कुछ ऐसी भी चीजें जो आपने नहीं देखी होंगी और इस बार आप एक्सप्लोर करने वाले हैं लखनऊ के बारे में। तो लखनऊ का जो नया है, गोमती नगर का जो पुराना, इन्होंने सब कुछ नया कर दिया है वो दिखाएंगे, और पुराने लखनऊ का जायका है, जो स्वाद है, जो फील है, वो कवर करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो चलिए इस हफ्ते के लिए इतना ही है, और इस वीडियो के लिए तो मैं बस यही कहूंगा कि आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और चैनल तो सब आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी करवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।